डेट टाइम फार्मूला में, जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेट डालता हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्मेट में करता हूँ तो क्या होता है, ये 1 जनवरी 1900 से अब तक के डेज होते हैं, ठीक है, उस डेट तक के टोटल डेज होते हैं, ठीक है। अब इसमें से मुझे डे को अलग करना है, मंथ को अलग करना है, ईयर को अलग करना है, ठीक है, फिर वापस कंबाइंड करना है। तो डे के लिए डे का फॉर्मूला है, ठीक है, 15 आया। मंथ के लिए मंथ का फॉर्मूला है, ठीक है, ईयर के लिए ईयर का फॉर्मूला है, ठीक है, वापस कंबाइंड करने के लिए डेट का फॉर्मूला है, जिसमें ईयर पहली एंट्री लेता है, ठीक है, ईयर, मंथ और डे, ठीक है। अब इसमें मान लो मुझे 2 दिन जोड़ने, तो मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ, क्यों जोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो नंबर ही तो है ना, ये एक नंबर है। अब इसमें मैं 2 जोड़ जोड़ सकता हूँ, ठीक है, तो ये देखो डेट आ गई, 2 का अंतर, तो डेट इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन। मान लो मुझे 2 महीने जोड़ दें, अब क्या करूँगा, ई डेट का फॉर्मूला है मेरे पास। ई डेट मंथ्स को जोड़ने के लिए होता है, तो ऊपर वाली डेट ले ली मैंने, और कॉमा मंथ, कितने मंथ जोड़ने हैं, 2 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपको बता देंगे, ठीक है, नवंबर दिसंबर ठीक है। आ गया। अब 2 साल जोड़ने हैं, अब कैसे जोड़ूंगा, ई डेट ही लगाऊंगा, ईयर के लिए कोई अलग से नहीं है, बस एक क्या करना है मुझे, ईयर को लेकर पहले, अच्छा पहले उसमें डेट डेट लेनी लगा, पड़े, डेट लगा, ईयर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो काम हो जाएगा, ठीक है, 2 साल होगा। यही काम हम डेट के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ईयर में से ईयर ले लो, ठीक है, और इसी में कर देते हैं प्लस ईयर, ठीक है, मंथ में से मंथ लिया प्लस ये मंथ जितने जोड़ने हैं, डेज में से डेज ले लिए प्लस ये डेज, पर ये, वो हाँ, शॉर्ट पड़ रहे हैं। अगर हम अलग अलग करके लेंगे तो डेट का फॉर्मूला अलग लगाएं, ई डेट का अलग लगाएं, तो वो ज़्यादा ईजी है। हाँ नहीं मतलब कई बार ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम 4-5 कॉलम तो यूज़ नहीं करेंगे, एक ही सेल में वैल्यू लानी होगी, ठीक है तो वहाँ डेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ कर दी ना कैलकुलेशन मैंने ठीक है तीनों, ठीक है। है ना, सबका काम अलग अलग होता है। आपको किसी भी मंथ का एंड डेट जाननी है तो ईओ मंथ का फार्मूला होता है, ईओ मंथ क्या है, एंड ऑफ मंथ, तो आपने डेट सेलेक्ट करनी है और मंथ की जगह पे 0 देना है अगर उसी मंथ का चाहिए तो, ठीक है, और उसके अगले महीने की लास्ट डेट चाहिए तो 1 डालो, 2 3 है, इस तरह से डाल सकते हैं। लास्ट में मतलब कम कर दे जो जो भी लास्ट का वो चाहिए तो। हाँ तो मतलब ये 5 महीने आगे की लास्ट मंथ की डेट दिखा रहा है, इसी तरह ये माइनस में भी चलता है, 1 महीना पहले, ठीक है, अक्टूबर की डेट है ना, तो 1 महीने पहले की लास्ट डेट दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है। एक होता है हमारे पास मान लो कि 1 जुलाई 2015 को तुमने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उन्होंने कहा कि आप 20 दिन बाद आके इसे ले लेना, 20 वर्किंग डेज के बाद, तो आपको वर्किंग डे निकालने हैं कि वर्किंग डे बाद कौन सी डेट पड़ेगी, तो वर्क डे का फंक्शन है जिसमें स्टार्ट डेट ले ली, कितने दिन बाद उसने बोला, ठीक है, तो ये डेट पड़ेगी 29 जुलाई। अब इसमें क्या होगा, आपका सैटरडे संडे हटा के वर्किंग डे दे देगा, पर मान लो बीच में कोई सरकारी छुट्टी होती है, जैसे कि यहाँ पे एल में मैं कह देता हूँ 5 जुलाई,
ठीक है, या सरकारी छुट्टी थी, या पूरी लिस्ट है, तो हम इसमें जो अगला पैरामीटर है हॉलीडेज वाला ऑप्शनल है, सिलेक्ट कर सकते हैं जितने भी हैं। तो अभी 5 जुलाई को जो है पहले ही कोई सैटरडे संडे के अंदर आ रहा होगा, मैं इसको कर देता हूँ 6। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इंक्रीमेंट हो गया। अब इसी तरह से आपके पास 2 डेट हैं और वर्किंग डे निकालने हैं, तो नेटवर्क डे का फॉर्मूला है, नेटवर्क डेज। ठीक है, स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडेज इसमें भी दे सकते हैं, पर इन दोनों में एक का अंतर आता है। क्यों आता है? जैसे हम कहते हैं 20 दिन बाद, और कहते हैं कि इन दोनों के बीच कितने हैं, तो 21 दिन। तो बोल हॉलीडेज कवर नहीं करेगा वो, सिर्फ नेट एक्चुअल डे बता देगा। नहीं, हॉलीडे कवर करेगा, पर बोलने में ही डिफरेंस आ जाता है। 10 दिन बाद, मतलब मैं आज का दिन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पर दो डेट के बीच में दोनों वो कंसीडर होते हैं ना, दोनों डेट कि कितने दिन का फ़र्क है ना, तो बोलने में डिफरेंस है। एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो -1 करके ले लो। ठीक है, -1 करके ले सकते। हाँ, इन्हीं दोनों फार्मूला में, जैसे नेटवर्क वर्क डे है, नेटवर्क डे है, यही दोनों फार्मूले आपके 2010 से दो और फार्मूले ऐड हुए हैं, .intl, वर्कडे .intl, मतलब इंटरनेशनल। अब ऐसा थोड़ी है हर किसी की सैटरडे संडे को ही छुट्टी रहती है, तो उसके लिए क्या दिया है इन्होंने, स्टार्ट डेट, डेज और वीकेंड दे दिया कौन सा है, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, संडे खाली है, मैंने कहा चलो संडे ही है। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी दिया है, .intl का फंक्शन आया है। और किस तरह का फॉर्मूला चला रहे हो, इसके अंदर नीचे आ रहा है आपके पास फॉर्मेट। हाँ, कई बार नहीं आता एक्सेल के अंदर, आता है हर बार, आता है हर बार आता है। इसको करना चाहिए सही तरह, हर एक फॉर्मूला पे दिखाए, हर किसी फार्मूला पे दिखाता है कि एक आध को, अगर फार्मूला सही नहीं लिखा होगा तो ही नहीं दिखाएगा, अदरवाइज हर फार्मूला में दिखाता है, ऑटोमेटिकली लिखा होगा। हाँ, दिखाता है। अगर नहीं आता है तो वो बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन होता है, तो वो आपका किसी का नहीं आएगा। जैसे किसी भी फंक्शन पे जाओगे ना, ये स्क्रीन टिप दिखा रहा है, तो ये स्क्रीन टिप मैंने बताया था ना, स्क्रीन टिप का एक ऑप्शन होता है डोंट शो स्क्रीन टिप, वो हाँ वो सिलेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन टिप का पार्ट है। ठीक है, तो इंटरनेशनल में क्या होता है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और इसमें भी आपका वो आ जाता है। सेलेक्ट करने के लिए टैब का यूज़ करता हूँ मैं, टैब का बटन दबा दूँ। ठीक है, हॉलीडेज में मैंने चूज़ कर लिया। ठीक है, इसमें -1 दे सकता हूँ। ठीक है, दोनों डेट के। तो नेटवर्क डेट, वर्क डे क्लियर है, है? अगर आपके पास डेट का टेक्स्ट है, आपके पास ऐसे लिखा हुआ, अब इसे डेट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? हमारे पास क्या है, डेट वैल्यू एक फार्मूला है। डेट वैल्यू का फार्मूला क्या करता है, डेट को टेक्स्ट के तौर पे लेता है। अगर टेक्स्ट में आप इसे कोई फॉर्मेट बना के दे देते हो तो वो एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, टेक्स्ट कैसे बनाएंगे, ये हो गया, ये इसके बाद कंकैटिनेट करेंगे, नहीं देखो डेट टेक्स्ट बता रहा है ना, तो कंकैटिनेट करेंगे डैश से, फिर एंड कर देंगे ये, फिर एंड किया, फिर से डैश लगाया, फिर ये। ठीक है, ये नंबर आ गया ना डेट का। ठीक है, तो डेट वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, डेट वैल्यू, टाइम वैल्यू दोनों ही ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि जैसे सरकारी फॉर्म भरते हैं तो हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है, वो उसमें ये होता है कि 1 अगस्त 15 तक आप इतने साल के होने चाहिए, है ना? तो किसी के बारे में जानना हो कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो गया, तो वो कैसे निकालेंगे, ईयर मंथ डे।
ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला है। अब इस फार्मूला की आपकी हेल्प नहीं आती, ठीक है ना, लिस्ट में दिखाएगा डेटेड इफ, बस इतना सा दिखाएगा स्क्रीन टिप में बस, पर क्या करना है ये नहीं बताएगा। करना क्या है इसमें, स्टार्ट डेट, एंड डेट और एक फॉर्मेट लगता है, ठीक है। ईयर के लिए वाई लगता है इन्वर्टेड कॉमा में, कितने ईयर का हो गया, मंथ के लिए एम लगता है, ये टोटल मंथ दिखा रहा है अभी पर, और डेज के लिए डी लगता है, वाई एम डी, सिंपल फॉर्मेट है। पर हमें चाहिए कि ईयर ख़त्म होने के बाद कितने महीने हो गए, तो यहाँ पे कर देंगे वाई एम, ठीक है। और यहाँ डे चाहिए कि मंथ ख़त्म होने के बाद कितने दिन हो गए, क्या डालेंगे, एम डी, ठीक है। 28 साल 10 महीने 17 दिन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि साल से हमें चाहिए होता है कि साल पूरे होने के बाद कितने दिन, तो वाई डी, ये 320 थी, ठीक है। तो फॉर्मेट समझ आ गया, ये कैसे चलते हैं, वाई एम डी, ये वाई डी बाद में लगाते हैं, वाई एम एम डी और वाई डी, ठीक है। ईयर, मंथ, डेज, ईयर आफ्टर, मंथ, मंथ आफ्टर डेज, ईयर आफ्टर डेज, ठीक है, ये चलता है इसमें। तो डेटेड इफ समझ आ गया, ये हमारे डेट के फॉर्मूले। अब टाइम के फॉर्मूले पे आते हैं, टाइम का फॉर्मूला ले लिया, इसका फॉर्मेट चेंज करता हूँ ताकि सेकंड भी दिखाए। और टाइम, ये इसके फार्मूले हैं, फार्मूले बहुत सिंपल हैं इनके, और बस पैरामीटर ध्यान रखना है। इसमें से आर निकाल देगा, मिनट, मिनट निकाल देगा, सेकंड, सेकंड निकाल देगा, वापस कंबाइंड करना हो तो टाइम, जिसमें आर मिनट सेकंड अलग अलग लेता है, आर मिनट और सेकंड, ठीक है। अब इसमें मुझे जोड़ना है, अब आपको पता है कि आर वगैरह में हम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये है डेसिमल में, अगर मैं इसमें एक प्लस करना चाहूँ तो 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा। एक का मतलब होता है 24 घंटे, ठीक है, पूरा डे में काउंट होगा, हाँ हाँ। तो अगर एक घंटा जोड़ना है तो 1/24 करना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मूले के ज़रिए करते हैं कैसे करना है। टाइम आर में प्लस, यहाँ से आर कर दिया, ठीक है, मिनट में प्लस, यहाँ से मिनट कर दिए, और सेकंड में प्लस, यहाँ से सेकंड कर दिए, ठीक है। तो ये इसने यहाँ देखा दिया, ठीक है। वैसे जोड़ना है तो वैसे कैसे जोड़ते हैं, खाली इसमें प्लस करना है हमने 2 घंटे, तो क्या करेंगे, 2 8 24, 2 घंटे, 2 मिनट जोड़ने हैं तो 2/24 मल्टीप्लाइड बाय 60,
ठीक है, 2 मिनट जुड़ गए, सेकंड जोड़ने हैं तो इसी में मल्टीप्लाइड बाय 60 और कर देना है। ठीक है, ये आ गया। अब एक ओवर टाइम निकालते हैं। ठीक है, इनका इन आउट का टाइम है। ठीक है, इन टाइम मान लो ये 9 बजे आया और गया 5 बजे। ठीक है, ये आया 8:50, गया ये 30। ठीक है, ये आया 11 बजे और चला गया 4:40। 4:40 कितना हो जाएगा यहाँ, 16:40। चलो पीएम कर देता हूँ। ठीक है, 16:04 पे। अब ओवर टाइम निकालना है हमें, 8 घंटे के बाद 200 रुपये घंटा देना है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट माइनस करने से तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो करना क्या है, और निकाल लेना है जिसमें इसको माइनस इससे कर देना है। ठीक है, आपको बीच के ये घंटे निकाल के दे देगा। ठीक है, घंटे निकाल दिए इसने। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ग्रेटर देन 8 है कि नहीं, या -8 कर देते हैं। ठीक है, -8 कर देते हैं क्योंकि 8 घंटे के बाद का चाहिए, तो अभी 0 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इफ़ ये क्या है ग्रेटर देन 0 है देन तब हमें क्या करना है, वैल्यू इफ ट्रू में इसको मल्टीप्लाई कर देना है 200 से। ठीक है, अदरवाइज 0 दिखाना है। ठीक है, निकल के आ गया। अब ये फार्मूला कंबाइंड कर लेते हैं, यहाँ से ये पूरा उठा के इक्वल टू से पहले कॉपी करना है और यहाँ पे जहाँ रेफरेंस यूज किया है D26, अब यहाँ ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि उसकी कैलकुलेशन उसको डिस्टर्ब ना करे लॉजिक को, है ना, तो ब्रैकेट में दे देता ऐसे ही यहाँ। ठीक है, तो ये आपका बन गया फॉर्मूला ओवर टाइम का। ठीक है, समझ आ गया। तो ये है हमारे पास डेट टाइम के फॉर्मूला में। ठीक है, काफी है।